डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग, डिप्टी कमिश्नर कुलगाम, डिप्टी कमिश्नर शुपया, राजौरी और पुंछ, और उनके साथ उनकी टीम जो है वीसी पर ज्वाइन हुए। वो भी अपने ज़िले से रिलेटेड जो स्टैटिस्टिक्स रहेगा, वहाँ की जो आपकी जो बिरादरी है, प्रेस पर्सन्स है उस ज़िले के, उनको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अपना भी जो है एक स्टैटिस्टिकल ब्रीफ उनको अवेलेबल करवाएंगे। जो टोटल जो मुझे जो कहना है, मैंने दो हिस्सों में बांटा है। एक तो जो आज जो फेज़ हुआ अनंतनाग राजौरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी, जो सिक्स्थ फेज़ में इलेक्शंस हुआ, और दूसरा ऑलमोस्ट सभी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के इलेक्शंस कंप्लीट हो गए हैं, तो जम्मू एंड कश्मीर का ओवरऑल पिक्चर क्या आता है, तो दूसरा पार्ट जो है मेरे प्रेस ब्रीफिंग का वो रहेगा। मैं स्टैटिस्टिक्स काउंट करने के पहले उन तमाम वोटर्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने डिफ़िकल्टीज़ के बावजूद वोटिंग में हिस्सा लिया और बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। ये बेसिकली जो भी रिकॉर्ड जो है, जो मैं पढ़ने जाऊँगा, आप भी जो लिखेंगे पढ़ेंगे, इस बेसिकली रिकॉर्ड क्रिएटेड बाय द वोटर्स। ठीक है, तो उसमें कोई दूसरे का हम कह नहीं सकते कि दूसरे का कोई मेजर रोल है या किसी का रोल है। ठीक है, सबसे प्राइम रोल जो है वो वोटर्स का है, उन्होंने ही वो रिकॉर्ड क्रिएट किया है, रिकॉर्ड जो है बनाया है। इनको मदद करने के लिए हमने तकरीबन जो है 11,629 जगह पर पोलिंग स्टेशन एस्टेब्लिश किए थे, 50,000 से ज़्यादा उसमें पोलिंग कर्मीज लगाए गए थे पांचों फेजेस में, और उतने ही या उससे ज़्यादा हमारे CAPF और पुलिस के जवान जिन्होंने इस चैलेंज को अंजाम दिया। हाँ बताए, हाँ बताओ जल्दी। जो पोलिंग स्टाफ है जिन्होंने बेसिकली फ्रंट पर रह कर के पोलिंग कंडक्ट कराने में जिम्मा निभाया, उनकी भी मैं काम की सराहना करता हूँ। और जो मेरा सिक्योरिटी स्टाफ है, सिक्योरिटी पर्सनल्स है जिन्होंने पोलिंग प्रमाइसेस में और एरिया डेमोनेशंस में भूमिका निभाई, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जो ऑफिसर्स, चाहे पुलिस ऑफिसर्स है, सिविल ऑफिसर्स है, इस टोटल 5 फेजेस के इलेक्शंस में जिन्होंने ड्यूटी दी, चाहे RO, ARO, सेक्टर ऑफिसर्स, नोडल ऑफिसर्स के तौर पर, उनके भी काम की मैं सराहना करता हूँ। अल्टीमेटली जो कैंडिडेट्स जिन्होंने पांचों फेजेस में नॉमिनेशन भरा, अल्टीमेटली कंटेस्ट किया, और उनके जो पॉलिटिकल पार्टीज जिन्होंने हर एक नुक्कड़ कॉर्नर में जाकर के लोगों को मोबिलाइज किया, अपने अपने जो दलीलें हैं उनके बारे में लोगों को इन्फॉर्म किया और वोट मांगे, उनका भी इसमें काफ़ी अहम रोल है। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और मीडिया के साथ ही आपने भी जो है डे वन से प्रयास किया कि इस टोटल प्रोसेस को कैसे पॉजिटिव तरीके से देखा जाए, और उसी के हिसाब से आपने उसको कैरी किया, आपका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। स्पेसिफिक आज का जो पॉइंट्स है उस पर आते हुए, आज जो पोल हुआ 53% के करीब पोल हुआ है, वो पिछले 35 साल का हाईएस्ट पोल है, ऑलमोस्ट 10% हायर है कह सकते हैं। सेकंड हाईएस्ट जो सॉरी 10% नहीं, 3% हाईएस्ट है, सेकंड हाईएस्ट, मतलब इससे पहले जो हाईएस्ट था 50% था 1996 का, अब ये 53% जा रहा है, मतलब 35 साल का हाईएस्ट पोल परसेंटेज है। 2019 का पोल परसेंटेज आपको पता है काफ़ी कम था, इवन डबल डिजिट में भी नहीं था, 9.07 जो अनंतनाग पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी उस समय थी उसका था। तो 35 साल का जो हाईएस्ट पोल परसेंटेज रहा, उसमें जो असेंबली सेगमेंट वाइज क्लोज अप पोल के जो फिगर्स है, नहीं लास्ट 35 इयर्स का ये हाईएस्ट है। 96 का जो आपका जो हैंडआउट है ना, हैंड जो है, हाँ 96 का 46% कर रहे,
अनंतनाग राजौरी का, हाँ अनंतनाग का ना, हाँ हमने जो है कैलकुलेट किया है 50%। सॉरी नहीं, आपका कहना क्या है, 96 से कम है या ज़्यादा है? अभी जो 53% है, obviously you are saying 50 or 96, so it is more. बिल्कुल मोर है। वो फिगर हमारे पास नहीं है, हमने लास्ट 35 ईयर्स के ही फिगर लिए हुए हैं। जहाँ तक असेंबली सेगमेंट वाइज बात है तो उसमें ऑलमोस्ट 3 असेंबली सेगमेंट्स है जहाँ ऑलमोस्ट इक्वल वोट हुआ है कह सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ एक फ्रैक्शन से सुरनकोट असेंबली सेगमेंट 68% के साथ हाईएस्ट है। बुद्धल और राजौरी भी जो है ऑलमोस्ट उसी के पेसो पेस में है। लोएस्ट पोल परसेंटेज कुलगाम असेंबली सेगमेंट में 32% रिकॉर्ड किया गया है, जो क्लोज अप पोल के जो फिगर्स है, क्योंकि 5 बजे के जो फिगर्स है वोटर टर्नआउट ऐप पर आ गए हैं, क्लोज अप पोल के फिगर्स आने के लिए टाइम लगेगा। टेंटेटिवली मैं पढ़ रहा हूँ, उसमें हो सकता है फ्रैक्शनल कुछ अपवर्ड रिविज़न हो। जैनपुरा 40%, डीएचपुरा 55%, कुलगाम 32%, देवसर 44%, डूरू 46%, कोकरनाग 52%, अनंतनाग वेस्ट 36%, अनंतनाग 33%, श्रीगुपवारा बिजबिहारा 43%, शांगस अनंतनाग ईस्ट 43%, फैलगाम 56%, नौसेरा 65.47%, राजौरी 67.18%, बुद्धल 67%, थानामंडी 66.20, सुरनकोट 68.36, पुंछ हवेली 67.35, मेंडर 66.08। जो माइग्रेंट पोलिंग स्टेशंस थे वहाँ भी पोल परसेंटेज अच्छा रहा, एवरेज 40% के करीब रहा। उधमपुर में 50% और दिल्ली में 53% रहा है। इसके अलावा तकरीबन 9,700 के करीब पोस्टल बैलेट्स ETBVS और बाकी जो है वो अब तक मिले हुए हैं। जो काउंटिंग डे है के सुबह तक पोस्टल बैलेट्स जो आएंगे वो काउंटिंग में तो रखे जाएंगे। तकरीबन 18.36 लाख एलिजिबल वोटर्स इस फेज में थे। 9,000 के करीब पोलिंग स्टाफ इसमें डिप्लॉयड किया गया था, जिन्होंने इस ड्यूटी को बहुत ही अच्छी तरीके से अंजाम दिया है। जो सेकंड पार्ट है प्रेस रिलीज का कि अब तक, क्योंकि जम्मू कश्मीर के इलेक्शंस 5 फेजेस के ओवर हो रहे हैं, तो 5 फेजेस का ब्रीफ विज़ पास्ट परसेंटेज आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं पढ़ना चाहूँगा। बारामुल्ला जैसे 17.37 लाख वोटर्स थे, 2103 पोलिंग स्टेशंस हमने इस्टेब्लिश किए थे और तकरीबन जो है 58.64% जो है इसमें यहाँ वैली का पोल रहा है, और माइग्रेंट पोल जब उसमें माइग्रेंट वोट्स उसमें ऐड करते हैं तो 59.10% गया है। श्रीनगर में 17.47 लाख एलिजिबल वोटर्स थे, 2135 पोलिंग स्टेशंस हमने एस्टेब्लिश किए थे, पोल परसेंटेज जो है विथ माइग्रेंट वोट्स 39% रहा है। अनंतनाग राजौरी जो आज पोल हुआ है, यहाँ 18.36 लाख एलिजिबल वोटर्स थे, 2338 पोलिंग स्टेशंस हमने एस्टेब्लिश किए थे, माइग्रेंट वोट्स के साथ तकरीबन 53% यहाँ जो है पोल हुआ है। उधमपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी जिसमें 16.23 लाख एलिजिबल वोटर्स थे, 2637 पोलिंग स्टेशंस थे, सबसे हाईएस्ट पोलिंग स्टेशंस उधमपुर कठुआ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी थे में थे, क्योंकि टोपोग्राफी वाइज काफ़ी स्कैटर्ड हिली ये पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी आती है। 68.27% वहाँ का पोल परसेंटेज रहा है। जम्मू में 17.80 लाख एलिजिबल वोटर्स थे, 2416 पोलिंग स्टेशन हमने इस्टेब्लिश किए थे और 72.22% जम्मू पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट परसेंटेज रहा है।
सभी पांचों पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करूं तो 11,629 पोलिंग स्टेशन हमने एस्टेब्लिश किए थे और औसत जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी का पोल परसेंटेज 58% जाता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अनंतनाग राजौरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी का औसत क्लोज अप पोल में टेंटेटिवली 53% जा रहा है और जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी का अनंतनाग का जो टेंटेटिव फिगर है उसको मद्देनज़र रखते हुए औसत फिगर जो है 58% जा रहा है, जो कि पिछला जो हाईएस्ट 35 इयर्स का है उसमें तकरीबन जो है 9% बढ़ोतरी है। पिछला हाईएस्ट परसेंटेज यूनियन टेरिटरी में इन पांच पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो था वो 49.58% था जो 2014 में, 1996 में यह परसेंटेज 47.99% था। तो बेसिकली पिछले लास्ट 35 इयर्स का हाईएस्ट टर्नआउट भी जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी में रिकॉर्ड किया गया। ऑलमोस्ट सभी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज में 2019 से भी अच्छा पोल हुआ है और इवन जो है जो कश्मीर की तीनों पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में रिकॉर्ड पोल हुआ है। मैं इसी के साथ प्रेस ब्रीफिंग को एंड करता हूँ, आपका सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, शुक्रिया, थैंक यू। सर अनंतनाग में जो पंडित रहते हैं उनके पास वोटर स्लिप थी लेकिन वोटिंग वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं था, सो व्हाट वुड बी द रीजन कि वो अपना वोट एक्सरसाइज नहीं कर पाए। मैं दो वाक्यात उस संदर्भ में मेरे सामने आए हैं। एक आया है प्रॉपर कोकरनाथ के नज़दीक एक गांव है, यच से नाम उसका शुरू आता है, अहड़ुआ या समथिंग, मुझे नाम एग्जैक्ट नहीं आ रहा, याद आ रहा है। वहाँ बेसिकली रिलीजियस प्लेस है, उससे चलते एक फैमिली आई थी अपना रिलीजियस रिचुअल करने के लिए। वो फैमिली का नाम जो एक्सट्रैक्ट स्पेशल पोलिंग स्टेशन वाइज बनाया गया उस एक्सट्रैक्ट में था, तो जब एक्सट्रैक्ट में वहाँ नाम है तो नेचुरली यहाँ जो है उसको स्ट्राइक डाउन करते हैं। उससे चलते हमने जो है उनको कहा कि आपका नाम वहाँ रखा गया था, आपको अगर करना था तो एट द मोस्ट 3 दिन पहले करना चाहिए था कि जब हम इधर मार्क्ड कॉपी तैयार नहीं करें। दूसरा एक वाक्या रत्नीपुरा का कुछ सामने आया है, मैं उसमें चेक कर लेता हूँ क्या इशू रहा है। सर मटन में भी काफी फैमिलीज थी जिनको जो वोट नहीं कर पाए आज, ठीक डेफिनेटली जो है इलेक्शंस जम्मू एंड कश्मीर में खास करके वैली में कंडक्ट करना पीसफुल तरीके से, अलग अलग इकदाम लॉ एंड ऑर्डर एजेंसीज इम्प्लीमेंट करती है, सिर्फ पोल के पहले ही नहीं इवन उससे पहले भी शुरुआत होती है। शेड्यूल अनाउंसमेंट होने के पहले से इन इकदाम पर लॉ एंड ऑर्डर एजेंसी स्टेप बाय स्टेप्स एक्शंस लेती है, जिसमें CRPC 107, 109, 153 के साथ जो बाउंड डाउन करना है, मुचलका लेना है, या कहीं अगर सीरियस लगता है तो PSA लगाना है या दूसरे कोई डिटेंशंस के इकदाम लेना है वो लेती है। जहाँ तक पर्टिकुलर वाक्य आपने जो कहा है, डेफिनेटली क्योंकि इलेक्शंस है, इलेक्शंस में पॉलिटिकल पार्टी कैंडिडेट्स आप अपने तरीके से प्रयास करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनमें जो कहा है वो यह है, लेकिन डेफिनेटली हमारी भी डिफ़िकल्टीज रहती है, उन डिफ़िकल्टीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने प्रयास किया कि पीसफुल पोल कंडक्ट करना के लिए जो जो ज़रूरी है वो उसमें इकदाम लिए, और फिर जो पर्टिकुलर नेम उन्होंने बताए थे उनको भी जो है हमने ये किया है, मुचलका लेकर के जो है उनको छोड़ा है।